हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सोसंदे एकेडमी। बीपीएससी टीआरई 3.0 की जिला वाइज और विषय वाइज और वर्ग वाइज आपकी रिक्तियां जारी की जा चुकी हैं। और जो रिक्तियां यहां पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूर्णिया ज़िले की है। ये पूर्णिया ज़िले में आपकी जो वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी दी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में से जो रिक्ति रह गई थी, वो रिक्तियाँ इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं आपकी 1-5 में, 6-8 में, 9th और 10th में। और यहाँ पर देख सकते हो आप, देखिए 11th और 12th में। और साथ ही आपकी यहाँ टोटल कितनी वैकेंसी हैं, पूर्णिया ज़िले में टोटल 3517 वैकेंसी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको देखने को मिलेंगी। बीपीएससी 1-5, 6-8, 9th और 10th और 11th और 12th सब्जेक्ट वाइज आपकी और वर्ग वाइज वैकेंसी है वो जारी कर देगा। कल रात तक आपकी वैकेंसी जारी हो जाएंगी। कुछ 1-5 में कुछ जिलों की वैकेंसी हैं वो बीपीएससी को प्राप्त नहीं हुई हैं। इससे संबंधित देखिए न्यूज है, उस ऑफिशियल न्यूज को हम आपको बताते हैं। साथ में आपके जो बीपीएससी टीआरई 3.0 में आपको पता है 3 मौके हैं, वो मौके बढ़कर आपके अब 5 मौके आपके बिहार शिक्षक भर्ती में भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित घोषणा आपकी जल्द होने वाली है। अब आपके पास में जो 3 अटेम्प्ट का फाउंडेशन था वो हटने वाला है। पहले हम आपको न्यूज बताते हैं, फिर आपको पूरी इसकी डिटेल के बारे में बताते हैं। चलिए देखते हैं इस न्यूज को। रोस्टर जारी होगा बीपीएससी कल रात तक रोस्टर जारी कर सकता है। आपको बता दें सामान्य प्रशासन विभाग से अभी नहीं मिली है और बताया जा रहा है कि रिक्तियां जो भेजी गई थी वो अभी तक नहीं मिली है। ऐसे में कल तक रिक्तियों को साझा कर दिया जाएगा। कोटिवार विषयवार आयोग नोटिस के साथ रोस्टर जारी करेगा। फॉर्म भरने की भी तिथि बढ़ाई जा सकती है, यानी और मौका मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। फिलहाल लेट फाइन के साथ 25 फरवरी तक फॉर्म भरने की तिथि है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि तिथि और बढ़ाई जा सकती है। रोस्टर में देरी की वजह से ज्यादातर अभ्यर्थियों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और इसी को ध्यान में रखते हुए तिथि बढ़ाने की बात भी कही जा रही है। रोस्टर जारी होते ही आवेदन की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि फेज 3 में कुल 86,474 पदों पर बहाली होनी है। संवाददाता रजनीश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, पूरा अपडेट बताएं। देखिए, बिहार में टीआरई 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 का विज्ञापन जारी हो चुका है और इस बीच जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में है कि विषयवार, कोटिवार और वर्ग के आधार पर जो रिक्तियां हैं वो सामने आए। लेकिन रिक्तियां पहले नहीं जारी की गई, जिसकी वजह से लगातार परेशानी हो रही थी। इस बीच शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से रिक्तियां मंगवा ली, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दी गई थी। अब सामान्य प्रशासन विभाग से आधी जो रिक्तियां हैं वो बीपीएससी को मिल गई है। कल शाम तक क्लास 1 से लेकर 12वीं तक की सभी रिक्तियां जो है बीपीएससी को मिल जाएगी, जिसके बाद रात तक जो है नोटिस के साथ विषयवार और कोटिवार रिक्तियां जो है जारी हो जाएगी, जिसके बाद जो अभ्यर्थी इंतजार में है उनका इंतजार खत्म होगा और फॉर्म भर सकेंगे। दूसरी बड़ी खबर है शिप्रा, जो अभ्यर्थी इंतजार में है कि जो 3 बार बाध्यता है परीक्षा में वो कब खत्म होगी। तो आपको बता दें कि 4-5 दिनों के भीतर शिक्षा विभाग जो है इस बाध्यता को भी दूर करेगा, क्योंकि अब 5 बार जो है नियानुकूल जो है 5 बार अभ्यर्थी जो है टीआरई में मौका उनको मिलेगा। इसको लेकर जो है बस एक हस्ताक्षर होना बाकी है। कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर की मंत्री के पास फाइल पहुंच गई है और उसके बाद वहां हस्ताक्षर होते ही जो अभ्यर्थी टीआरई में 5 बार परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें अब 5 मौके दिए जाएंगे, जिससे अब उनको जो है ये समस्या नहीं रहेगी कि अब 3 अटेम्प्ट के बाद उनको मौका नहीं मिलेगा। जी देखिए, बेशक यहाँ पर जो बोला गया है कि जो आवेदन की तिथि है उसे इनक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी ने अभी रोस्टर जारी नहीं किया है। विषयवार और वर्गवार रिक्तियाँ अभी तक क्लियर नहीं की हैं, इसलिए आवेदन की जो तिथि है उसे इनक्रीज किया जा सकता है। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं कि किस वर्ग में जो सीट है या किस सब्जेक्ट में सीटें कितनी दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जैसे DLED की बात कर लें, जिन्होंने स्नातक के बाद में DLED किया है, तो वो 1-5 में भी आवेदन करेंगे और 6-8 में भी आवेदन करेंगे। तो वो देख लेना चाहते हैं अभ्यर्थी के किस विषय में किस प्रकार की सीट है, जिससे कि उसका अटेम्प्ट वो भी बेकार ना जाए और वो आवेदन भी अपना कर सकें। ऐसे ही आपका 9th और 10th में, 11th और 12th में जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd होते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन है। इसलिए यहाँ पर जो बताई गई है वो न्यूज बिल्कुल सच्चाई है। इसमें बहुत से अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आवेदन इसलिए नहीं किया है, वो पहले विषयवार और वर्गवार रिक्तियों को देखना चाह रहे हैं। खास करके जो अगर स्टेट के अभ्यर्थी हैं
वो देखना चाह रहे हैं कि किस विषय में, किस वर्ग में, किस प्रकार की रिक्तियां दी जा रही है, उसी के हिसाब से वो आवेदन करें। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि उन्हें केवल यहाँ पर जो जनरल की सीटें होंगी बिहार में, उन्हीं सीटों पर वो फाइट कर सकेंगे अदर स्टेट के कैंडिडेट, इसलिए वो पहले रिक्तियों को देख लेना चाह रहे हैं। देखते हैं न्यूज क्या है। आपको एक बात विशेष याद रखनी है, बेशक आपकी जो आवेदन तिथि है उसे इंक्रीज किया जा रहा है, लेकिन आपका जो परीक्षा है वो तय समय पर होगी। परीक्षा के लिए जिलों में जो केंद्र है वो केंद्र भी बनाना बीपीएससी ने स्टार्ट कर दिया। देखते न्यूज क्या। बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जिले में 40 से अधिक केंद्र बनेंगे। ये मुजफ्फरपुर की बात है। जिले में 25,000 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाने का निर्देश डीएम सुब्रत कुमार सेन ने दे दिया है। डीएम ने डीईओ से 25,000 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र निर्धारण की सूची मांगी है। इस आदेश के बाद डीईओ अजय कुमार सिंह ने सभी स्कूलों से परीक्षा के लिए संभावित तिथियों में आवासन क्षमता संबंधित रिपोर्ट मांगी है। 9, 15 और 16 मार्च को परीक्षा संभावित है। डीईओ ने कहा है कि मार्च में कई अलग अलग परीक्षाएं, ऐसे में सभी स्कूलों से रिपोर्ट ली जा रही है। किस स्कूल में निर्धारित तिथि में जगह खाली है वहां पर केंद्र निर्धारित किया जाएगा। सोमवार को सूची भेज दी जाएगी। 3 ग्रेड में बांटकर भेजनी है सूची। देखिए, आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन भी शिक्षण संस्थान में केंद्र बनाया जा रहा है उनमें संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उसे 3 ग्रेड में बांटकर भेजेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा के ग्रेड में केंद्र बांटे जाएंगे उसके सुविधा के अनुसार। देखिए, पूर्णिया जिले की बात हो रही है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी पूर्णिया, रिक्ति टीआरई 3.0। इसमें देखिए किस प्रकार से रिक्ति आ रही है आपकी। जो टीआरई 1.0 एंड टीआरई 2.0 में जो रिक्ति हैं उन रिक्तियों को जोड़कर आपकी रिक्तियां इसमें निकाली जाएंगी। तो यहां पर देखिए क्लास 1-5 के लिए अलग अलग दिया है इसमें। इस जिले के लिए देख लेते हैं। सामान्य के लिए देखिए 1489 वैकेंसी हैं और 289 वैकेंसी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से रिक्त हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिला के 1778 वैकेंसी आपकी 1-5 में जो पूर्णिया जिला है वहाँ से देखने को मिलेगी। उर्दू के लिए ऐसे ही वैकेंसी दी हुई है, ऐसे ही बांग्ला के लिए वैकेंसी दी हुई है। ये 1-5 के लिए ऐसे देखिए 6-8 में देख लेते हैं। तो 6-8 में भी वैकेंसी का यही क्रम है। गणित और विज्ञान के लिए देखिए 129 वैकेंसी हैं और बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2.0 यहाँ पर दिखाया गया कि जनरल के लिए कोई वैकेंसी खाली नहीं है। यानी 1 और 2 में जनरल से कोई भी रिक्ति यहाँ पर खाली नहीं मिली है। ऑल ओवर 129 वैकेंसी यहाँ पर दिखाई गई हैं। ऐसे सामाजिक विज्ञान के लिए दिया हुआ है। इधर यहाँ पर देखिए एक कॉलम जो वैकेंसी वर्तमान में या पहले से इन्होंने जो अध्याचना मंगाई है वो रिक्तियाँ हैं। दूसरा एक कॉलम इन्होंने टीआरई 1 एंड टीआरई 2.0 से जो रिक्त सीट हैं उनका ब्यौरा दोनों को कंबाइंड करके टोटल वैकेंसी कितनी देखने को मिलेंगी वो यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं। देखिए ये 9th और 10th के लिए, ये 9th और 10th में विज्ञान गणित ये सभी प्रकार की वैकेंसी है। 9th और 10th में देखिए यहाँ पर टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से वैकेंट पोस्ट काफ़ी आ देंगे। देखिए 53 वैकेंसी भी ऐसे हैं और 29 वैकेंसी भी ऐसे हैं। इस प्रकार से टोटल आपकी 82 वैकेंसी विज्ञान में देखने को मिलेगी 9th और 10th में इस जिले से, 42 गणित में और 25 टीआरई 1.2 एंड 1.0 एंड 1.2 से वैकेंट है। इस प्रकार तो टीआरई 1 एंड टीआरई 2 और जो वैकेंसी है उन दोनों को जोड़ के आपका जो अध्याचन आने वाला है जो बीपीएससी है वो कल रात तक जो आपने न्यूज देखी है सभी वर्गवार और विषयवार रिक्तियां जारी कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक विशेष जिले की दी हुई है, ये पूर्णिया जिले की रिक्तियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। जो कि यहाँ पर देखिए पूर्णिया जिले में जो टोटल वैकेंसी है वो ग्रैंड टोटल कितना है, देखिए यहाँ पे पूर्णिया जिले की तो टोटल वैकेंसी हैं वो 3517 वैकेंसी हैं। इसमें 597 वैकेंसी टीआरई 1 एंड टीआरई 2.0 की हैं और 2900 वैकेंसी जो इन्होंने पिछली मतलब अध्याचना मंगाई है चाहे वो नए पद सृजित किए हों या पहले से खाली चल रहे हों वो 2920 पद हैं और 1 और 2 को जोड़ के 597। इस प्रकार से टोटल 3517 वैकेंसी पूर्णिया जिले से देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आपके बीपीएससी को अध्याचना प्राप्त हो जाएगी। जैसी रिक्ति आ रहा है जो रोस्टर प्राप्त हो जाएगा वो कुछ ही जिले बचे हुए हैं, बाकी और कुछ जिलों में भी 1-5 में बचा हुआ है, बाकी की उसके पास में रिक्तियां पहुंच चुकी हैं। कल आपका निश्चित ही वैकेंसी देखने को मिल जाएगी और आवेदन तिथि भी बढ़ने का यहां पर अवसर दिखाई दे रहा है।